जी है वो मतलब दो हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं यानी कि एक्स और वाई। तो फंक्शंस की कुछ कंडीशंस होती हैं, मतलब इसमें कलेक्शन की बात नहीं होती लेकिन उसमें सबसेट्स की हम बात करते हैं। फंक्शंस में वेरिएबल्स दो होते हैं, मतलब फंक्शंस की दो कंडीशंस होती हैं। एक ये कंडीशन होती है कि उसके एक्स के सारे एलिमेंट्स वाई में होने चाहिए, ये कंडीशन उसमें यानी कि रिलेशन में नहीं होती। और सेकेंड कंडीशन ये दूसरा होती डोमेन है ऑफ एफ इज इक्वल टू एक्स होनी चाहिए। जी, ये पॉइंट है मेन, कि आप जब कार्टिजन प्रोडक्ट कंसिडर कर रहे हैं तो उसमें जो आपका कार्टिजन प्रोडक्ट में फर्स्ट सेट है वो उसकी डोमेन की इक्वल आना चाहिए। यस सर। अगर एक रिलेशन हम कंसिडर कर रहे हैं कोई भी, वो फंक्शन कब कहलाएगा, उसमें जो ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट आ रहा है, फर्स्ट पोजीशन पे जितने एलिमेंट्स आ रहे हैं वो एग्जैक्टली किसकी इक्वल होने चाहिए, वो इस डोमेन की इक्वल होने चाहिए। मीन्स जैसे कल आप लोगों को मैंने कुछ रिलेशंस कहे थे, उनमें से अगर मैं एक कोई रिलेशन यहाँ पे लिखते तो मैंने एक सेट आपको ए जो है 1 2 3 दे दिया, बी जो है वो मैंने आपको 4 5 6 आई थिंक सो दिया था। उसमें से अगर आप एक रिलेशन कंसिडर करें एक्स इज इक्वल टू वाई, तो एक्स इज इक्वल टू वाई मीन्स 1 1 आना है, उसके बाद 2 2 आना है, नेक्स्ट 3 3 ये आना है। जब आपको मैंने एग्जांपल जो दी हुई है, ए इज इक्वल टू इस केस में क्या था 1 2 3, और बी क्या आना है 4 5 6, यही एग्जांपल। इसमें इक्वेलिटी वाला ये रिलेशन तो है होल्ड ही नहीं करता ना, ये इसमें तो कोई आता ही नहीं है, एम्प्टी सेट आता है। दूसरा रिलेशन मैंने आप लोगों को क्या कहा था कि एक्स प्लस वाई जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए, कोई ग्रेटर देन मुझे फाइव, ग्रेटर देन और इक्वल होना चाहिए 5 के। ग्रेटर ग्रेटर आर इक्वल टू 5। तो इस केस में आपके पास क्या क्या बनते हैं, 1 4 स्ट्रिक्टली बनता ग्रेटर था। है, बाद में मैंने उसकी इक्वेलिटी, चलिए इक्वेलिटी कंसिडर कर लेते हैं, एग्जाम्पल हमने डिस्कस करनी है। उसके बाद इसमें 1 5, उसके बाद वन सिक्स सिक्स टू और नेक्स्ट फोर अगर आप देखें 2 4, टू उसके फाइव बाद टू टू फाइव फाइव टू सिक्स टू सिक्स टू सिक्स टू थ्री फोर, उसके बाद थ्री थ्री फाइव फाइव एंड थ्री थ्री सिक्स सिक्स, ये आपके पास इसके रिलेशन के एलिमेंट्स बनते हैं। अब इसमें फंक्शन की डेफिनेशन यहाँ पे कैसे हम अप्लाई करते हैं, जो रिलेशन के ऑर्डर पेयर्स आ रहे हैं इनमें जो फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट्स जो हैं वो किसके होने चाहिए, डोमेन सेट के होने चाहिए और तमाम कवर होने चाहिए, और जो सेकंड एलिमेंट्स हैं वो उन पे कोई कंडीशन नहीं होती फंक्शन के लिए। एक और कंडीशन फंक्शन के लिए होती है कि फर्स्ट जो एलिमेंट आ रहा है वो रिपीट रिपीट नहीं होने चाहिए। नाउ। दूसरी फॉर्म में इसकी फंक्शन की डेफिनेशन आप कैसे करते हैं, फंक्शन एक और डेफिनेशन भी है अगर रिलेशन से हटके, एफ इज अ रूल फ्रॉम सेट एक्स टू सेट वाई सच दैट फॉर ईच एक्स बिलोंग टू एक्स देयर एग्जिस्ट वाई बिलोंग्स टू वाई यूनिक, यहाँ पे यूनिक का वर्ड आता है, यूनिक वाई बिलोंग्स टू वाई सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। इसमें दो ही टर्म्स, जैसे ऊपर रिलेशन की फॉर्म में हम इसको देख रहे होते हैं वहां पे भी दो कंडीशंस आ रही हैं, यहाँ पे भी दो ही कंडीशंस आ रही हैं कि एक्स के तमाम एलिमेंट्स कवर होने चाहिए और जो उसके इमेज सेट्स आ रहे हैं वो क्या होने चाहिए, यूनिक होने चाहिए, जो उसके साथ एलिमेंट रिलेट कर रहे हैं हम वो यूनिक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो उसके साथ रिपीट भी हो रहा हो, ठीक है जी, वो वन टाइम ही हर, तो उसके तमाम एलिमेंट्स कवर होने चाहिए और हर एलिमेंट के साथ एक ही एलिमेंट मैप होना चाहिए, उससे ज्यादा एलिमेंट्स मैप नहीं होने चाहिए। यहाँ पे देखें 1 के साथ 4 मैप हो रहा है, 1 के साथ 5 मैप हो रहा है, 1 के साथ 6 मैप हो रहा है, सो ये रिलेशन है फंक्शन नहीं है। सिमिलरली आप बाकी इसकी काउंटर एग्जाम्पल्स भी इस पूरे रिलेशन में से देख सकते हैं, ठीक है जी। एक एग्जाम्पल मैं आपको फंक्शन की इस रिलेशन की फॉर्म में दे देता हूँ, फिर आपको जो कैलकुलस में आप फंक्शंस डिस्कस करते हैं वो तो आपके पास इन्फिनिट है, कोई भी उसमें से डिस्कस कर सकते हैं। रिलेशन की फॉर्म में एक एग्जांपल मैं आपको इसकी दे देता हूँ, अगर 2 मिनट से हमको अलाउ कर दे। जैसे कल वाली ही एग्जांपल है उसी को मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। सपोज मैं एक रिलेशन डिफाइन कर देता हूँ एक्स वाई सच दैट
y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, या इसको आप इस तरह से चेंज कर लें x प्लस वाई इज इक्वल टू फाइव, इस तरह से अगर आप इसको कंसिडर कर लें, आपके पास यहाँ पे सेट जो है 1 2 3 वही ऊपर वाला, और b सेट उसी तरह से आपके पास 4 5 6, तो ये इनमें से कौन सा ऐसा है जो इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर ले, कौन कौन से हैं जिनका सम जो है वो 5 आ रहा है, कौन कौन से पेयर्स ऐसे हैं जिनका सम 5 आ रहा है? 4 एक ही है, 1 4 1 4, और बस और कोई नहीं है इनमें से, ये भी फंक्शन नहीं बन रहा क्योंकि डोमेन सेट के तमाम एलिमेंट्स को ये कवर नहीं कर रहा। ठीक है जी, कोई ऐसी एग्जांपल आप लोग दे सकते हैं जिसमें तमाम एलिमेंट्स डोमेन के कवर हो रहे हो? कोई x प्लस वाई इज ग्रेटर देन जीरो, आई मीन नेगेटिव ना हो उसमें? नहीं, वो भी उसमें भी एलिमेंट्स रिपीट होंगे, उसमें भी एलिमेंट्स रिपीट होंगे। और कोई बताएं सर, रिलेशन में तो हो सकते हैं ना, फंक्शन में रिपीट हो सकते हैं? हम फंक्शन की एग्जांपल देखना चाह रहे हैं ना, जो फंक्शन बन रहा x प्लस वाई को ऐड करें तो इवन नंबर आए, x प्लस वाई को ऐड x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7 उसमें भी होगा, x प्लस y जो है वो इक्वल्स टू 7 होना चाहिए। इसमें आप फर्स्ट कौन सा कंसीडर कर सकते हैं? 3 4, सेकंड कौन सा कंसीडर कर सकते हैं? 1 6 2 5 और 5 2 2 5, सॉरी। हाँ जी, तो ये आपके पास फंक्शन है क्योंकि इसमें डोमेन के तमाम एलिमेंट्स कवर हो रहे हैं और वन टाइम कवर हो रहे हैं। एक तो कवर होने चाहिए तमाम एलिमेंट्स, और कितने टाइम कवर होने चाहिए? वन टाइम, उसमें कोई रिपीट नहीं होना चाहिए, कवर वन टाइम ही होना चाहिए। ठीक है, तो ये रिलेशन जो है ये फंक्शन जो आपकी इमेज सेट्स आ रहे होते हैं, जो सेकंड आउटर पेयर में सेकंड एलिमेंट्स आ रहे होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम क्या कह रहे होते हैं? कोडोमेन सेट। ठीक है जी, उसको हम रेंज सेट कहते हैं। कोडोमेन सेट होता है जो उसका कंप्लीट इमेज सेट का जो सबसेट हो रहा होता है उसको हम कोडोमेन सेट कहते हैं, और जो इमेजेस आ रहे होते हैं उनको हम रेंज। इमेज के लिए रेंज भी वर्ड और इमेज सेट भी, इमेज ऑफ फंक्शन या इमेज ऑफ रिलेशन, इमेज ऑफ फंक्शन और या हम उसके लिए इमेज ऑफ रिलेशन जो है वो हम वर्ड यूज करते हैं। ठीक है जी, दोनों यूज किए जाते हैं। आगे जब हम ग्रुप थ्योरी में हायर लेवल पे आगे जाएंगे तो वहाँ पे इमेज ऑफ एफ यूज किया जाता है बजाय इसके कि रेंज का वर्ड यूज किया जाए। कोडोमेन जो है वो आपका पूरा सेट होता है, जो जिसकी रेंज जो है वो सबसेट आ रहा होता है। एग्जाम्पल आप यहाँ से देख सकते हैं, इसने एक एग्जाम्पल बहुत ट्रिवियल से दी हुई है कि जो प्लस प्लस ऑपरेशन है ये आर क्रॉस आर से आर तक एक जो है फंक्शन है। कैसे फंक्शन है? आपको पता है कि आर क्रॉस आर के कोई भी दो एलिमेंट्स पिक कर लें, आर क्रॉस आर के दो एलिमेंट्स कौन से हैं? 2 3 अगर आप पिक करते हैं, इन पे प्लस अप्लाई करें, प्लस अप्लाई करते हैं तो ये क्या आ जाता है? 2 प्लस 3 और ये 5 आ जाता है। तो ये देखें ऑपरेट हो रहा है दोनों पे, और इसने किस पे मैप किया है इन दोनों एलिमेंट्स को? 5 पे जाके। ये हम किसकी डिफाइन कर रहे हैं? ये हम डिफाइन कर रहे हैं एक कार्टिजन प्रोडक्ट से दूसरे कार्टिजन प्रोडक्ट के ऊपर फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, इसमें आपका जो कोड में जो डोमेन सेट है वो आर क्रॉस आर पूरा प्लेन पड़ा है, और रेंज जो सेट है कोड डोमेन सेट है वो उसमें कौन सा पड़ा है? सिर्फ एक रियल नंबर का सेट पड़ा हुआ है। ठीक है जी, आगे टर्म है कार्डिनली। हमने इन तमाम टर्म्स को थोड़ा शॉर्टली देखें, अगर इसमें फंक्शन की एक और फॉर्म में मैं आपको समझा दूँ, क्योंकि आगे बाइजेक्टिव भी आ जाना है और इंजेक्टिव भी आ जाना है, तो एक और फॉर्म में आप लोगों को समझा देता हूँ। ये अगर आपके पास एक सेट है, ए सेट है, और इधर से आप इसके साथ दूसरा सेट जो इसके साथ रिलेट करना चाह रहे हैं, इसके साथ दूसरा सेट आप रिलेट करना चाह रहे हैं, उसको आप सपोज डी सेट कह रहे हैं। इसमें आपके पास सपोज एलिमेंट्स हैं 1 2 3, मैं इसमें चेंज कर रहा हूँ, मैं 1 3 नंबर्स नहीं ले रहा, कोई एलिमेंट्स चेंज कर रहा हूँ, ए बी सी एंड डी। अब देखें जब मैं इधर से एक मैपिंग डिफाइन करता हूँ, मैंने जिस तरह कहा है कि एक रिलेशन है, आपने एक मैप करना है उनको, आपस में रिलेट करना है एलिमेंट्स को, दो सेट के एलिमेंट्स हमको रिलेट करना है। जब ये मैपिंग मैं डिफाइन कर रहा हूँ, वन को ए पे मैप कर रहा हूँ,
जो 2 है उसको मैं C पे मैप कर रहा हूँ और 3 को मैं जो है सपोज C पे ही मैप कर रहा हूँ, तो ये जो रिलेशन है ये क्या है, फंक्शन है। इसमें दोनों कंडीशन ट्रू हो रही हैं, दोनों कंडीशन कैसे ट्रू हो रही हैं, जो डोमेन सेट है उसके तमाम एलिमेंट्स कवर हो गए हैं, कोई एलिमेंट मिस नहीं हुआ एरो के साथ, और सेकेंडली क्या हुआ है जो एलिमेंट एरो के साथ लिंक हो रहा है वो वन टाइम लिंक हो रहा है, वो टू टाइम्स लिंक नहीं हो रहा। ठीक है जी, ये होगी फंक्शन की डेफिनेशन। फिर हम देखते हैं कि जो अच्छा इसमें ना इसमें मैथमेटिकली हम आगे जाके चेक करेंगे कि वेल डिफाइंड या फंक्शन की डेफिनेशन में हम ये वहां पे प्रूव कर रहे होंगे, जब हमें इसको फंक्शन किसी को भी चेक करना होगा वो फंक्शन है या किसी रिलेशन को चेक करना होगा फंक्शन है या नहीं। मैथमेटिकली उसको हम कैसे चेक करते हैं, हम ये कहते हैं हम कंसिडर करते हैं टू टू चेक फंक्शन इज वेल डिफाइंड। इसके लिए मींस वेल डिफाइंड मींस यहाँ पे क्या होगा कि वो रिलेशन है या फंक्शन है। ठीक है जी, वो ऑपरेशन हमने डिफाइन किया वो रिलेशन है या फंक्शन है। इसमें हम क्या करते हैं, टेक टेक थ्री इमेजेस, ये जब होमोमॉर्फिज्म में डिफाइन कर रहा हूँ तो वहां पे हमें ये चीज इस कंडीशन की जरूरत होगी, थ्री इमेजेस इक्वल एंड प्रूव इमेजेस आर नॉट इक्वल, टेक प्री इमेजेस नॉट इक्वल, हम कंसिडर करेंगे कि जो प्री इमेजेस हैं वो नॉट इक्वल हैं और हम प्रूव करेंगे कि उनके कॉरेस्पॉन्डिंग जो इमेजेस हैं वो भी नॉन इक्वल है। अगर मैथमेटिकली इसको मैं आपको समझाऊं तो हम ये कंसिडर करेंगे, लेट करेंगे कि एक्स वन जो है वो नॉट इक्वल है एक्स टू के, और प्रूव हमें क्या करना होगा कि एफ ऑफ एक्स वन जो है वो क्या है नॉट इक्वल है एफ ऑफ एक्स टू के। ये मैथमेटिकली हमें यह काम करना होगा जब हमने क्या चेक करना हो कि फंक्शन वेल डिफाइन है या नहीं है। ठीक है जी, अब इसी चीज को मैं अगली टर्म के लिए देखता हूं कि इसके बाद हम जो वन वन डिफाइन करते हैं, वन वन कैसे, जिसका दूसरा नाम इंजेक्टिव भी है, वन वन या इंजेक्टिव इंजेक्टिव या वन वन, इसमें हम क्या कंसिडर कर रहे होते हैं, इसमें ये कंसिडर कर रहे होते हैं कि जो रेंज सेट के एलिमेंट्स हैं वो टू टाइम्स मैप नहीं होने चाहिए। फंक्शन में हम क्या कह रहे होते हैं कि डोमेन के जो एलिमेंट्स हैं वो टू टाइम्स मैप नहीं होने चाहिए। इधर हम क्या कह रहे हैं इंजेक्टिव में, क्या कह रहे हैं कि ये जो टू एरोज किस पे आ रहे हैं, सी पे आ रहे हैं, ये टू एरोज सी पे नहीं आने चाहिए, एक एरो सी पे आना चाहिए और दूसरा किसी और पे जा सकता है, कोई इशू नहीं है, वो डी पे भी जा सकता है वो बी पे भी जा सकता है, इसमें कोई इशू नहीं है, बट ये जो है एरो एक ही एलिमेंट के ऊपर नहीं आना चाहिए। बेसिकली अगर हम इसमें जो है स्टेटमेंट की फॉर्म में कहें, इफ इमेजेस आर इक्वल देन प्री इमेजेस आर इक्वल, इफ इमेजेस आर नॉट इक्वल देन प्री इमेजेस मस्ट नॉट बी इक्वल, ये बेसिकली कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हमारे पास ये दो सेट्स हैं इनके ऊपर हमने एक फंक्शन डिफाइन किया हुआ है, अगर यहाँ पे एक एलिमेंट है और यहाँ पे दूसरा एलिमेंट है, ये इधर से कि दो एलिमेंट्स के साथ अगर मैप एक एलिमेंट के साथ अगर मैप कर रहे हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसके साथ दो एलिमेंट्स मैप हो रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसके साथ दो एलिमेंट्स मैप नहीं होने चाहिए, इसके साथ सिंगल एलिमेंट मैप होना चाहिए। तो इंजेक्टिव जैसे हमें जो टीचर ने समझाया था उन्होंने याद रखने के लिए ऐसे कहा था कि इंजेक्टिव इंजेक्शन की तरह कि आप ये आपके पास सिंगल एरो तमाम जो एलिमेंट्स हैं उनके दरमियान सिंगल एरो होना चाहिए इंजेक्ट। ठीक है जी, इंजेक्ट इस तरह से आपके सिंगल एलिमेंट्स वो मैप होने चाहिए। इसमें क्या था, इसमें एक इंजेक्ट जो है वो दो पे मैप हो रहा है, बट इधर क्या है इंजेक्ट मीन्स सिंगल एलिमेंट सिंगल पे मैप हो रहा है, एक एरो जो है वो सिंगल एलिमेंट्स पे इधर से भी जा रहा है और इधर से भी सिंगल एलिमेंट पे। अब इसमें एक कंडीशन हमने नहीं देखी, हमने ये नहीं देखा कि बी सेट का कोई एलिमेंट रह जाता है या नहीं रह जाता, उससे हमारा कोई कंसर्न नहीं है। बी के 4 एलिमेंट्स हैं, इधर से 3 एलिमेंट्स आएंगे, 3 एलिमेंट्स 3 के साथ रिलेट होंगे फंक्शन और 1-1 की वजह से, बट बी का कोई एलिमेंट रह जाता है या नहीं रह जाता, कोई मिस हो जाता है तो उससे हमें कोई कंसर्न नहीं है इस डेफिनेशन तक। ठीक है जी, इस डेफिनेशन तक हमें
बी के साथ कोई कंसर्न नहीं है कि उसका कोई एलिमेंट मिस होता या नहीं होता, जस्ट हमने उसकी एक कंडीशन लगा दी है कि उसका जो मैपिंग होनी चाहिए, जो रिलेशन होना चाहिए प्रीवियस प्री इमेजेस के साथ, वो क्या होना चाहिए, वो यूनिक होना चाहिए। ठीक है जी, अभी तक हमने ये कंडीशन लगाई है। इसको मैथमेटिकली हम कैसे प्रूव कर रहे होंगे, इसको मैथमेटिकली ऐसे प्रूव कर रहे होंगे, टेक इमेजेस, इमेजेस में आप अगर समझ नहीं आ रही तो पूछ सकते हैं हम लोग कि इमेजेस में किसकी बात कर रहा हूं, जो रेंज के एलिमेंट्स हैं, इमेजेस इक्वल एंड प्रूव प्री इमेजेस आर इक्वल। आपने सर यहाँ पे प्री इमेजेस डोमेन है। जी जी, डोमेन डोमेन उनकी इमेज के कोरस्पॉन्डिंग जो जो इमेज के साथ रिलेट हो रहा है पीछे से डोमेन का एलिमेंट, उसको हम प्री इमेज कह रहे हैं। ठीक है, अब इसको मैथमेटिकली कैसे हम कर रहे होंगे, ये जो मैंने स्टेटमेंट इंग्लिश में लिखी है इसको मैथमेटिकली क्या कहेंगे। मैथमेटिकली हम इस तरह से चेक कर रहे होंगे कि टेक फंक्शन की फॉर्म में टेक एफ ऑफ x1 is equal to f of x2 and prove that x1 is equal to x2। हम सपोज करेंगे जब हमने किसी फंक्शन को चेक करना हो कि वो 1-1 है या नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि दो फंक्शंस की उनकी इमेजेस को इक्वल लेंगे और प्रूव करेंगे कि उनके जो ये इनपुट एलिमेंट्स हैं, जो इनपुट एलिमेंट्स हैं ये भी क्या है, इक्वल है। अगर ये हम प्रूव कर लेते हैं तो फंक्शन क्या प्रूव हो जाता है, फंक्शन इंजेक्टिव प्रूव हो जाता है, 1-1 प्रूव हो जाता है। सर्जेक्टिव या ऑन टू जो है इसको मैं शॉर्ट से ही बता देता हूं, इसको नॉर्मली प्रूव नहीं किया जाता है, इसको एज इट इज कंसिडर कर लिया जाता है कि ये होल्ड कर रहा है, नॉर्मली इसको एज इट इज कंसिडर कर लिया जाता है। इसकी डेफिनेशन क्या है कि जो कोड जो रेंज सेट है, जो आपका कोड डोमेन सेट है वो रेंज सेट की इक्वल आ जाए, इफ कोडोमेन इज इक्वल टू रेन, जो आपका ये वाला कंप्लीट सेट है। अगर मैं इस एग्जांपल पे जाता हूँ जो स्टार्ट में मैंने फंक्शन के लिए आपको ये बॉक्स की फॉर्म में बताई है, अगर आपका जो कोडोमेन सेट है वो रेंज की इक्वल आ जाए, मींस यहाँ पे अभी तक आपका रेंज सेट क्या है, आपका रेंज सेट है ए बी सपोज सी, एक मिस होना है। ठीक है जी, या तो ये है कि डी हो ही नहीं यहाँ पे, दूसरा केस क्या हो सकता है कि यहाँ पे एक एलिमेंट ऐसा मौजूद है 4 जो कि डी के साथ मैप हो जाए, दोनों में से कोई एक कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है तो बी के तमाम एलिमेंट्स कवर हो जाते हैं, बी के तमाम एलिमेंट्स कवर हो जाते हैं तो फंक्शन क्या हो जाता है, ऑन टू हो जाता है। अब अगर आप इसको सम करते हैं तीनों तीनों चीजों को, तीनों चीजों का अगर आप सम करते हैं ओवरऑल, तो आपने अभी तक क्या देखा है, फंक्शन क्या होता है, जो डोमेन के तमाम एलिमेंट्स हैं वो कवर होने चाहिए और क्या होने चाहिए, 1 टाइम कवर होने चाहिए। फंक्शन कब होता है, डोमेन के तमाम एलिमेंट्स कवर और 1 टाइम, ऑल एलिमेंट्स ऑफ डोमेन कवर्ड प्लस 1 टाइम। ठीक है जी, ये फंक्शन के लिए हो गया। 1-1 फंक्शन के बाद 1-1 होता है। देखिए अगर फंक्शन ना हो तो उसको हम 1-1 की तरफ आगे नहीं देखते, फंक्शन पहले हम चेक करते हैं। 1-1 फंक्शन ही 1-1 होता है, रिलेशन को तो 1-1 ही चेक करते हैं। फंक्शन 1-1 कब है जी, ऑल एलिमेंट्स, ये किस पे कंडीशन हम लगाते हैं, रेंज पे जी, रेंज और इमेजेस आर कवर्ड वंस, ये रेंज के एलिमेंट्स जो है वो क्या होंगे, एक दफा कवर हो, वो ज्यादा टाइम कवर ना हो। ठीक है जी, यहाँ पे रेंज की बात हो रही है, बट ऑन टू में क्या कहते हैं, ऑन टू में कहते हैं ऑल एलिमेंट्स ऑफ किसके तमाम एलिमेंट्स, कोडोमेन, कोडोमेन इक्वल टू रेंज। हाँ, या आप ये कह सकते हैं कोडोमेन इक्वल टू रेंज, या ये कह सकते हैं कोडोमेन के तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो क्या हो जाएं, मैप हो जाएं, कवर हो जाएं उस रूल के अकॉर्डिंगली। ठीक है जी, मैप्ड।
ये अभी तक हमने देखा है। जब फंक्शन इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाता है, इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाता है, तो हम उस फंक्शन को क्या कहते हैं, वो फंक्शन क्या कहलाता है, बाइजेक्टिव फंक्शन कहलाता है। अगर फंक्शन वन वन भी हो जाए, ऑन टू भी हो जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। ठीक है जी, अभी तक हमने ये देख लिया। अब कार्डिनेलिटी को देखते हैं। कार्डिनेलिटी में क्योंकि बाइजेक्शन यूज होनी थी, इसलिए ये टर्म पहले आप लोगों को बतानी जरूरी थी। कार्डिनेलिटी, कार्डिनेलिटी अगर आपका जो सेट है, कार्डिनेलिटी सेट के साथ रिलेट होती है। कार्डिनेलिटी अगर आपके पास एक सेट है जो कि फाइनाइट है, इफ सेट ए इज फाइनाइट देन कार्डिनेलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, कि एलिमेंट्स जितने इसके अंदर होंगे वही इसकी क्या कहलाएगी, कार्डिनेलिटी कहलाएगी। ये तो हो गया फाइनाइट सेट के केस में। इनफिनिट सेट के केस में हमें नहीं आइडिया कि दो जो सेट है उसकी कार्डिनेलिटी क्या होगी। इनफिनिट सेट के केस में हम एक चीज कह देते हैं, अगर दो फंक्शन आपस में सॉरी दो सेट्स अगर आपस में बाइजेक्शन के तहत रिलेट हो सके, तो हम ये कहते हैं कि उन दोनों की कार्डिनेलिटी सेम होगी। ये टर्म इसी के अंदर लिखी हुई है यहाँ पे, इफ एक्स एंड वाई हैव अ बाइजेक्शन मैप देन एक्स एंड वाई आर सेट टू हैव सेम कार्डिनेलिटी। फाइनाइट के केस में सेम कार्डिनेलिटी कब होगी? सेम नंबर ऑफ मतलब के इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। हाँ जी, दोनों दोनों सेट्स का अगर इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे तो उनकी कार्डिनेलिटी सेम होगी। इनफिनिट के केस में कार्डिनेलिटी सेम कब होगी? जब उनके दरमियान हम क्या कहेंगे, एक बाइजेक्शन मैप अगर एग्जिस्ट कर जाए, तो हम ये कहते हैं कि दोनों की कार्डिनेलिटी सेम है। ठीक है जी, अगर किसी सेट की कार्ड जो कोई सेट इफ इफ अ सेट ए, अच्छा चले एक और इसमें आपको पहले बता देता हूँ, कार्डिनेलिटी जो एन ए जो है आपके पास इसमें सेट ऑफ, सर ये एक्चुअली कार्डिनेलिटी होता है, कार्डिनेलिटी अगर फाइनाइट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये हम कहते हैं फाइनाइट के केस में। इनफिनिट के केस में हम ये नहीं कहते, इनफिनिट के केस में जस्ट हम उसकी बाइजेक्शन को चेक कर रहे होते हैं। और इनफिनिट के केस में मैं यही चीज अभी लिखने लगा था, जो सेट ऑफ इंटीजर्स है हमें पता है ये इनफिनिट है ना, इनफिनिट है, इसकी कार्डिनेलिटी पता नहीं है कि होगी क्या, इसको एक डिनोट किया गया इस तरह करके एन नॉट से। सर वो तो समझ आ गई है कि कार्डिनेलिटी निकालते कैसे, बट एक्चुअली ये है क्या चीज, मुझे इसमें कंफ्यूजन है। ये हम बाइजेक्शन चेक कर रहे होते हैं दो सेट्स के दरमियान में, कि दो सेट्स आपस में बाइजेक्टिव हों, अगर उन दोनों की कार्डिनेलिटी सेम। क्या मसला है आप लोगों की आवाज, किसकी आवाज आ रही थी पीछे से? कार्डिनेलिटी जस्ट फाइनाइट के केस में आपको समझ आ सकती है कि फाइनाइट के केस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, इनफिनिट के केस में ये कोई चीज नहीं एग्जिस्ट करती। इनफिनिट के केस में दो सेट्स की बाइजेक्शन के लिए कार्डिनेलिटी को हम यूज करते हैं, जस्ट ये चीज है। सेट ऑफ इंटीजर्स की कार्डिनेलिटी एन नॉट है, ये थोड़ा सा मैं शायद एग्जैक्ट वो ना लिख सकूँ, एन नॉट आप बुक में से देख लीजिएगा। सिमिलरली सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स जो है, इनकी भी कार्डिनेलिटी जो है वो एन नॉट है। सिमिलरली जो सेट ऑफ रैशनल नंबर्स है, अब देखिए इनके नंबर्स वैसे आपको पता है कि इनफिनिट हैं, बट इसको हमने एक नेम कर दिया कि इसके सपोज कोई भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स या कार्डिनेलिटी इसकी हो सकती है, उसको स्पेसिफिक नंबर से स्टार्ट से डिनोट कर दिया गया। अब इसमें आपको क्वेश्चन हो सकता है कि यही एन नॉट क्यों हमने डिनोट किया है, तो वो कुछ भी हो सकता है। स्टार्ट में जिसने इसको यूज किया, जिसने इसको इस कॉन्सेप्ट को डिफाइन किया, उसने ये यूज कर लिया, तो यही अब तक चलता आ रहा है। अब इसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं हो सकता कि ये एन नॉट इसी तरह काम कार्डिनेलिटी इसको क्यों कर रहे हैं। और ये जैसे अभी आप
पूछ रही थी, मुझे आपका नाम याद नहीं। ये थोड़ा सा आगे का कॉन्सेप्ट है, उसकी तरफ हमने जाना नहीं है। कार्डिनलिटी सेट ऑफ रियल नंबर्स की भी होती है और उसको आगे यूज किया जाता है बहुत से और कॉन्सेप्ट्स के लिए, बट उसकी तरफ हमने इतना नहीं डिटेल में जाना। हमने बस इस हद तक ही इसको देखना है कि कार्डिनलिटी सेम कब होगी और किस तरह से उसको चेक करते हैं। ये लीव करके फिर क्यों वापस आ जाते हैं? अच्छा जी,